देखो बेटे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा पिछला बता रहा हूं। अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है बेटा, सेल से बनी हुई है, बहुत सारी सेल मिली हुई है। तो हमारे पास डिस्कशन कर रहा था मैं सेल में ऑर्गेनेल्स की, किस चीज की डिस्कशन कर रहे थे, सेल में ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन कर रहे थे, सेल में ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन कर रहे थे। जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, ऐसे ही सेल में क्या है, ऑर्गेनेल्स। कुछ ऑर्गेनेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज जो मैं ऑर्गेनेल डिस्कस कर रहा हूं, दैट वन इज द लाइसोसोम्स। कौन सी ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे बेटे आज हम लोग, आज हम लोग डिस्कशन में लाएंगे, हमारे पास जो ऑर्गेनेल है दैट वन इज द लाइसोसोम। बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस ऑर्गेनेल के बारे में, लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है बेटा जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, जिस ऑर्गेनेल में क्या है बेटा, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। लाइसोसोम का मेजर फंक्शन क्या है बेटा, लाइसोसोम का मेजर फंक्शन है क्या करना, क्लीन अप करना। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, क्लीन अप करना। राइट डाउन करो बेटा, लाइसोसोम इज एन ऑर्गेनेल व्हिच कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो बहुत सारे किनको कंटेन कर रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करती है। लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका काम है क्लीन अप करना, किसको, सेल को। क्लियर है, लाइजो जैसे मेरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल में बहुत अलग अलग ऑर्गेनेल्स। इन ऑर्गेनेल्स में सबसे पहली ऑर्गेनेल क्या कर रहा हूं मैं अभी, जो आज के टॉपिक के लिए है, दैट वन इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, सेल को क्लीन अप करना। लाइसोसोम के पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। इतना ध्यान रहेगा, लाइसोसोम में सपोज करो बेटा, लाइसोसोम में हमने सपोज किया मेरे पास सेल में कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया एंटर कर गया, या मैं कहूं फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया। मेरे पास कोई सेल थी, उस सेल में कोई क्या एंटर कर गया बेटे, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है, और जैसे ही फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, लाइसोसोम जो है वो क्या रिलीज कर देगा, इट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देगा, इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा, या मैं कहूं डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आई बेटा इतनी बात, राइट डाउन करेंगे बेटे आप सभी। व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल एंटर्स A
इनसाइड द सेल देन द लाइसोसोम रिलीजेस digestive enzyme which digest the foreign particle kai baar lysosome jo hai ये कंप्लीट सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। कई बार जो लाइसोसोम है ये किसको भी डाइजेस्ट कर जाता है, कंप्लीट सेल को। अगर सेल का मेजर पोर्शन खराब हो जाए तो ये क्या कर जाएगा, कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। इसी रीजन से ध्यान से सुनना भी, ये पूरी डाइजेस्ट कर सकता है सेल को भी, इसी रीजन से इसको सुसाइटल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइटल बैग्स ऑफ सेल। ध्यान रहे इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पिछली कौन सी थी लाइसोसोम, अब कौन सी है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटे फास्टली करो पेपर। अब देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल का फंक्शनिंग की बात है, इसकी बात करेंगे बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात। जैसे लाइसोसोम को क्या कहते थे, सुसाइटल बैग ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट डाउन करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एनर्जी करेंसी की जनरेशन होती है। किसकी जनरेशन होती है, एनर्जी करेंसी की जनरेशन होती है, दैट इज एटीपी। ध्यान से सुन, राइट डाउन करो बेटा, इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज generation of energy currency takes place। The energy currency of this cell is ATP, which is adenosine ट्राइफॉस्फेट। अब कैसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे बेटे कल की क्लास में।